प्लस। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखा था, फर्स्ट लेसन कौन सा देखा था लास्ट टाइम हम लोगों ने साइंस सब्जेक्ट का, फर्स्ट लेसन कौन सा देखा, अडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है नहीं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग अडेप्टेशन इन प्लांट्स देखा था, कैसे प्लांट्स वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग कैसे वो अपना बिहेवियर या अपना बॉडी पार्ट चेंज करते हैं, वो सब हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था अडेप्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। और आज देखेंगे अडेप्टेशन इन फूड, फूड कैसे अफेक्ट है, जो प्लांट्स रहते हैं उनको फूड्स कैसे मिलते हैं। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स रहते हैं वो लोग या ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स रहते हैं वो अपने खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है, प्लांट्स अपने खाना खुद बना लेते हैं। लेकिन कोई कोई प्लांट्स ऐसे रहते हैं जिसमें ग्रीन कलर का ये नहीं रहता है, और क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर का वो नहीं रहता है, वैसे प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, वो खाना बनाते नहीं। सपोज फंगी, फंगी जैसे ग्रीन कलर का नहीं रहता है तो वो क्या करते हैं, जो डेड एनिमल्स रहता है या प्लांट्स का और लीव्स का जो रिमेनिंग पार्ट रहता है वो अपने फूड बोल के वो ले लेते हैं, ठीक है। वो लोग फूड बनाते नहीं है फंगी। और दूसरा है डॉडर बोल के एक प्लांट है, वो दवा बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं वो प्लांट्स को। वो प्लांट्स का भी स्टेम कैसे रहता है, येलो कलर में रहता है, ठीक है, उसका ग्रीन कलर नहीं रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरा प्लांट्स में वो जैसे क्लाइंबर्स रहते हैं वैसे करके वो फूड ऑब्जर्व कर लेते हैं या खींच लेते हैं, उनको जो जितना फूड चाहिए वो दूसरा प्लांट्स में से खींच लेते हैं डॉटर प्लांट्स, ठीक है। वो जो है अडेप्टेशन फॉर इंजेस्टन फूड इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स कैसे अपना फूड ले लेते हैं, जो खुद नहीं बनाते, ऑटोट्रॉफ नहीं रहते हैं, जो भी खाना खुद नहीं बनाते वो कैसे दूसरे प्लांट्स में से फूड लेते हैं वो देखा। अभी दूसरे पॉइंट है अडेप्टेशन इन एनिमल्स। तो एम्फीबियन एनिमल्स जो पानी में और जो जमीन पे दोनों में रहने वाले एनिमल्स जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन एनिमल्स। तो उन लोग कैसे सराउंडिंग्स को हम एडजस्ट कर लेते हैं या अडेप्टेशन कर लेते हैं, तो उसमें कौन सा एग्जांपल आता है, फिश, फ्रॉग और डक। ये एनिमल्स क्या है, एम्फीबियन है, पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। तो जो फिश, फिश का कौन सा पार्ट यूज करते हैं, वो श्वास लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए कौन सा पार्ट यूज करते हैं, उनका गिल्स जो रहता है फिश का, वो गिल्स वो रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। और उनके ऊपर एक वैक्सी लेयर्स रहता है या वो चिपकने वाले जो लेयर्स रहते हैं उसमें पानी नहीं बैठते हैं, इसलिए उनको स्विम पानी के अंदर तैरने के लिए बहुत आसान हो जाता है। और दूसरा है फ्रॉग, फ्रॉग लंग्स रहते हैं अपने जैसा या ह्यूमन बींग्स के जैसे लंग्स रहते हैं फ्रॉग्स को भी, लेकिन वो लोग पानी में रहते तो लंग्स के थ्रू श्वास नहीं ले सकते, पानी भरा हुआ रहता है, तो वो क्या करते हैं अपने स्किन के थ्रू वो श्वास ले लेते हैं, ठीक है। और डेक्स, डेक्स का पाव आप लोग देखा रहेगा, ऐसा एक दूसरे का वेब्ड रहता है, वेब्ड रहता है बोले तो एक दूसरे के चिपका हुआ रहता है, अपना फिंगर्स ऐसे चिपका हुआ है क्या, नहीं है, अलग अलग रहता है। लेकिन जो डेक रहते हैं उनका वेब्स फिंगर जो है वो चिपका हुआ रहता है, उसकी वजह से वो भी तैरने के लिए आसान हो जाता है उनको। तो और ये फिश और फ्रॉग है, और उनका जो मुंह रहता है वो कौन सा शेप में रहता है, स्क्वायर शेप में रहता है क्या कभी, नहीं, फ्रॉग और फिश का मुंह कैसे रहता है, ट्रायंगल शेप में, तो ऐसे रहता है, तो उसकी वजह से उनको स्विमिंग इजी हो जाता है या पानी के अंदर तैरना इजी हो जाता है, ठीक है। अभी दूसरा देखेंगे हम लोग अडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं वो कैसे उधर अडेप्टेशन कर लेते हैं, सपोज लायन, टाइगर और वाइल्ड डॉग, फॉक्स, ये सब फॉरेस्ट में रहते हैं ना, उन लोगों का जो आंखें रहते हैं वो बहुत सामने रहते हैं, तो सामने रहने से उनको क्या फायदा होता है, बहुत दूर से वो अपने जो शिकार देखते हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। एनिमल्स जो है दूर रहते हैं, वो खाने के लिए जो यूज करते हैं एनिमल्स वो बहुत दूर से वो देख सकते हैं, उसकी वजह से उनके आंखें जो है सामने रहते हैं, उनका हाथ, हाथ का जो पंजे रहता है और टीथ जो है शार्प टीथ रहते हैं, तो उसकी वजह से वो एनिमल्स को काट के आसान से खा सकते हैं, इसलिए उनका जो बॉडी है वो उसके हिसाब से रहता है। और दूसरा एनिमल है वो जो है ग्रासलैंड फॉरेस्ट एनिमल्स, वो कौन सा एनिमल्स है, दूसरे एनिमल्स को जो खाते हैं वो एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोरस एनिमल बोलते हैं, ठीक है। जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल। और दूसरे है हर्बीवोरस, वो सिर्फ ग्रास या प्लांट्स का लीव जो रहते हैं वही खाते हैं, उनको बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल। फॉर एग्जाम्पल डीर, जो डीर रहता है वो हर्बीवोरस में आता है, ठीक है। और जो डीर है उनका आंखें किधर रहता है, फॉरहेड के नीचे रहता है, साइड में रहता है, और उनका कान जो है वो भी बहुत शार्प रहता है। दूसरे जो एनिमल्स अपने को पकड़ने के लिए आते हैं क्या, उसके लिए वो यूजफुल होता है उनका कान और आंखें, और पूरा एरिया वो देख सकते हैं, दोनों
लॉन्ग रहता है, उसकी वजह से वो बहुत फास्ट भाग सकते हैं। कोई भी एनिमल्स अपने को पकड़ने के लिए आते देखा तो वो बहुत दूर भाग सकते हैं, उसके लिए उनका पाव जो है, और जो कलर्स जो है वो फॉरेस्ट के हिसाब से रहता है उनका। कलर्स में किधर भी वो चिपक चुपके बैठ सकते हैं, उसकी वजह से उनका कलर्स भी वैसा रहता है। सपोज फ्रॉग है, फ्रॉग भी अलग अलग कलर्स का देखा रहेगा ना आप लोगों ने, तो उसमें से दूसरों को समझ में नहीं आएगा वो चिपक के बैठा हुआ है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है अडेप्टेशन इन डिजर्ट एनिमल्स। डिजर्ट एनिमल्स में अपने पहले कौन सा याद आएगा, डिजर्ट एनिमल बोलो तो कौन सा एनिमल याद आता है अपने को पहले? कैमल याद आता है ना, तो कैमल का कैसे रहता है, उसका आंखें कैसे रहते हैं, बहुत ऐसा छोटे रहते हैं, और उसके आईलैशेस जो रहते हैं बहुत बड़े बड़े रहते हैं, तो क्योंकि धूप में से वो सेल प्रोटेक्ट कर लेते हैं आईज को। उनका नोस्ट्रिल जो रहता है, नोज के ऊपर एक अच्छे जाड़े से स्किन रहता है, स्किन का एक फोल्डिंग रहता है, उसकी वजह से भी वो प्रोटेक्शन मिल सकते हैं, उसको नोस्ट्रिल्स को भी प्रोटेक्शन मिल सकते हैं। और उनका जो लेग्स है वो फ्लैट रहता है, जो पंजा रहता है कैमल का वो फ्लैट रहता है, तो वो जो रेगिस्तान में रेत में भी से डीपली जाएंगे नहीं, वो फ्लैट रहा तो उसकी वजह से वो जल्दी से वॉक कर सकते हैं, और लेग भी लॉन्ग रहता है उनका, जो कैमल का लॉन्ग लेग की वजह से वो चलने के लिए बहुत दूर तक जा सकते हैं वो। और पानी कम रहता है उधर, और धूप ज्यादा रहता है, तो उधर का जो एनिमल्स रहते हैं, अभी कैमल सिर्फ कैमल नहीं रहते उधर, लिजार्ड रहता है, रैट रहता है, स्नेक रहता है, ये सब डिजर्ट एनिमल्स रहता है। तो ये डिजर्ट में जब रहते हैं तो दोपहर के टाइम पे उनको कैसे धूप ज्यादा रहता है, तो क्या करते हैं मिट्टी के अंदर होल बना के उसके अंदर चिपक के बैठते हैं, और इवनिंग में शाम को जब धूप कम हो जाता है तो बाहर आ जाता है। ठीक है, और बाद में वो अलाइव कर लेते हैं उधर, उसके हिसाब से वो सराउंडिंग के हिसाब से वो अडॉप्ट कर लिया है वो एनिमल्स उधर। और लास्ट है अडॉप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन। आज के पार्ट में हम लोग स्नोवी रीजन पे अडॉप्टेशन लास्ट देखते हैं। स्नोवी रीजन बोला तो जम्मू कश्मीर वैसे एरिया में क्या होता है, कूल ज्यादा रहता है, कोल्ड ठंडी ज्यादा रहता है, तो उधर का एनिमल्स के ऊपर क्या है, एक स्किन का ऊपर हेयर रहता है, बालों का एक जाड़ा सा स्किन रहता है उनका, उसकी वजह से वो एनिमल्स का अंदर जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं उसके अंदर ठंडी नहीं जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा एग्जाम्पल रहता है स्नोवी रीजन के एनिमल्स को, पोलर बियर, व्हाइट फॉक्स, स्नो लेपर्ड, ये सब स्नोवी रीजन का एनिमल्स का एग्जाम्पल रहता है। तो उनका स्किन जो है वो जाड़ा रहता है, और ऊपर कवर रहता है पूरा, बालों का कवर रहता है।